नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं एमकेएन न्यूज। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिवस को लेकर जनपद में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया है। इस दौरान गोष्ठी कार्यक्रम में राष्ट्रीय महासचिव महिला मोर्चा दीप्ति रावत ने शिरकत की। उन्होंने भर्ती घोटाले पर बोलते हुए कहा कि सरकार पारदर्शिता से काम कर रही है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिवस पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने कई कार्यक्रम आयोजित किए। इस दौरान सुबह से भाजपा कार्यकर्ताओं ने बाजार क्षेत्र में साफ सफाई अभियान, स्कूलों में पाठ्य सामग्री वितरित किए हैं, जिसके बाद शहर के सिटी क्लब में गोष्ठी का आयोजन किया गया। वहीं राष्ट्रीय महासचिव महिला मोर्चा दीप्ति रावत ने भी कार्यक्रम में शिरकत की थी। साथ ही राष्ट्रीय महासचिव महिला मोर्चा दीप्ति रावत ने कार्यक्रम में प्रतिभाग कर राज्य और केंद्र की तमाम योजनाओं का बखान किया। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के जन्मदिवस को भाजपा कार्यकर्ता संकल्प दिवस के रूप में मना रही है। आगे कहा कि सरकार क्या काम कर रही है, उसकी भविष्य की क्या प्लानिंग है, कितनी योजनाओं को अमलीजामा पहनाया जा चुका है, इसकी जानकारी जनता को दी जा रही है। रुद्रपुर से मुकेश मंडल की रिपोर्ट। महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष सलीम टेलर जी का आप संबोधित करूंगा। अंगवस्त्र पहनाकर स्वागत करें। पिंचा विधानसभा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला जी, आप से अनुरोध करूंगा आज की मोर्चा की साइड में भी कुछ लोग आ जाइए सामने। जी को जब प्रधानमंत्री जी यहाँ आए थे तो वो तभी उनके कंधे पे हाथ रख के उन्होंने शाबाशी देके गए थे और उनको कह के गए थे कि आप बहुत अच्छा युवा हैं और आप इस प्रदेश को, ये प्रदेश भी युवा है, प्रदेश भी मैं कहूंगी अभी केवल 22 साल का प्रदेश, हमारा 22वां वर्ष चल रहा है, तो प्रदेश भी युवा है और युवा मुख्यमंत्री है, तो मुझे लगता है कि देश बहुत तेजी से और आगे बढ़ रहा है और प्रदेश भी उसी गति से आगे बढ़ेगा, यही मोदी जी उम्मीद रखते हैं हमारे प्रदेश से, हमारे मुख्यमंत्री जी।